हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ। विवाह फिल्म आपने देखी, ट्रायल रखा गया था, कैसी लगी फिल्म आपको? सच्चाई ये है कि मैं फिल्म लाइन का बिल्कुल आदमी नहीं हूँ और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो मेरा सोच कभी अच्छा था ही नहीं, परंतु प्रदीप बाबू मेरे दोस्त हैं, उनके कहने पर भोजपुरी फिल्म देखने गया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं भोजपुरी फिल्म देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि करीबन 30-40% हिंदी भाषा भी है, तो पूरी कहानी समझ में आई और दिमाग में जो भोजपुरी फिल्मों के बारे में गंदी बातें सुनी हुई थी वो उसमें बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ, शायद मेरा ऐसा मानना है कि इतनी साफ सुथरी फैमिलियर पिक्चर मैंने देखी ही नहीं है और मैं ये भविष्यवाणी भी करता हूँ कि फिल्म बहुत ज़्यादा हिट जाएगी। और परिवार के परिवार, अभी तक भोजपुरी फिल्म में क्या होता था, एक अकेला लड़का आके देखता था, इसमें तो माँ बाप भाई बहन सब साथ जाएंगे। जब इस फिल्म की इंटरवल हुई उस टाइम हम सब सस्पेंस में थे कि हमारी इच्छा नहीं हो रही थी इंटरवल से हम बाहर जाके देखें, हमारी इच्छा थी कि इंटरवल के बाद क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है। मैं बिल्कुल नॉन फिल्मी आदमी हूँ, फिर भी मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि यदि भोजपुरी फिल्मों में ऐसी फिल्में आती रहेगी तो भोजपुरी एक नए मुकाम पर चली जाएगी। नहीं, मैं खुद एक प्रोड्यूसर बनने के लिए बॉम्बे आया हूँ हिंदी फिल्म के लिए, तो यहाँ भोजपुरी लोग जब मुझे मिलते थे तो उनकी जो बातें होती थी जिसमें वर्गल बातें होती थी, सेक्सुअल बातें होती थी, दो अर्थी भाषा होती थी, जितने दोस्त मिले जो एक इम्प्रेशन होता है ना दिमाग में, मुझे लोगों ने भोजपुरी फिल्म बनाओ तो दोस्तों भूल के भी मत बनाओ, तो भोजपुरी का एक इम्प्रेशन गलत बना हुआ था, इसलिए मेरे माइंड में भोजपुरी का कभी अच्छा। पर ये भोजपुरी होते हुए भी हिंदी का भी बाप है, यदि फिल्म यदि हिंदी में भी आ जाएगी ना तो तहलका मचा देगी। विवाह देखा आपने, क्या क्या अच्छाई आपको लगी, कुछ शेयर करेंगे? सबसे पहले तो इस कहानी में इतना दम है, कहानी में दम है। मुझे ऐसा बताया गया कि फिल्म की आत्मा जो होती है कहानी होती है, ये कहानी अच्छी होती है। तो उसमें दोनों लड़कियों ने जो रोल किया है, पहली लड़की जो गिर पड़ती है और मर जाती है पहली हीरोइन, उसका जो दूसरी लड़की बहू बन के घर में आती है और बहू बनने बाद जो हमें डर था कि उस घर में किसका क्या होगा, उसका रोल तो माशाल्लाह, वो लड़की कौन है नाम भी मुझे नहीं मालूम, पर उसने एक्टिंग जो की है ओहो ताज्जुब की बात है। और ये हर आदमी शायद एक बार नहीं दो बार फिल्में देखेगा और समय बांधने वाली फिल्म है, स्टार्ट होते से अंत तक एक बार इंटरव्यू में बाहर जाने की हमारी इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा मेरा उम्मीद है। बहुत अच्छी फिल्म है। गाने कैसे लगे आपको? गाने क्यों, मैं भोजपुरी से कम वास्ता रखता हूँ, परंतु जो पहले भोजपुरी फिल्म थोड़ी देखी थी उस गानों में वर्गल्टी होती थी लड़कियों का नाच गाने में, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई और दिखाना चाहता था, पर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नंगापन या बड़े चीज एक बार भी फिल्म में नहीं देखी गई है। जी, कुछ कहेंगे फैंस को कि फिल्म क्यों देखे, विवाह फिल्म क्यों देखने जाए? मैं तो सर को बोलूँगा, प्रदीप सर को, एक हिंदी बनाओ और ऑल इंडिया रिलीज करो, ये पिक्चर सब भोजपुरी लोगों के लिए नहीं बनी है, ये मैसेज वाली फिल्म है, उसमें सास का, ससुर का, बेटे का, बेटी का, बहू का, पति का, पत्नी, जितने रिश्ते हैं वो हर रिश्ता अपने आप में कोहिनूर हीरे की तरह चमक रहा है, उसमें जितने भी पात्र सब ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है और ये फिल्म हर आदमी को देखना चाहिए और ये हिंदी में आएगी तो तहलका मचा देगी। जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि अब आपको फिल्म भी बनाना चाहिए? देखो, मैं तो अभी भी ऐसी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश दो लोग चलाते हैं, नेता और अभिनेता। तो मैं दो बार का इंदौर का विधायक रह चुका हूँ, 98 और 2008 का, तो नेता में था, अब मेरे बेटों को अभिनेता बनाने के लिए आया हूँ और शायद मैं अपने माध्यम से एक अच्छी जो मनोज कुमार के ज़माने में फिल्में बनती थी, जो देश को मैसेज देती थी, भारत प्रधान होती थी, उस टाइप की फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो अब जितने भी फिल्म लाइन के लोग हैं, एक मैसेज होता है, फिल्म लाइन पूरे देश को मैसेज देती है, तो मेरा ऐसा निवेदन है कि और जो भी प्रोड्यूसर है ऐसी फिल्में बनाए कि देश को मैसेज आए। कुछ कहेंगे फैंस को? बस एक ही चीज़ है, ये जो पर्दा है फिल्म का बहुत बड़ा माध्यम होता है, करोड़ों लोग पिक्चर देखते हैं, यहीं से हम तासीर लेके घर में जाते हैं, यहीं से हम शिक्षा लेके जाते हैं, ऐसी फिल्में बनाई जाए कि देश में जो नई जनरेशन आ रही है उनको माँ बाप और परिवार के मामले में बहुत चीज़ सीखने को मिले और ये फिल्म बहुत अच्छी है। हो सके जितने लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं ये फिल्म जरूर एक बार फिल्म में टीवी पे जाके देखें और ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा में आने वाली है, ये पहली बार शायद ऐसा बहुत फिल्म मल्टीप्लेक्स में आने वाली है, तो एक बार फिल्म सभी लोग देखें। Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.